आज से करीब 42 साल पहले 5 सितंबर सन 1977 को वॉयेजर मिशन्स को लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट अभी फिलहाल इंटरस्टेलर स्पेस में है। वहीं वॉयेजर मिशन के बारे में बताएं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि मानव द्वारा बनाया गया ये एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अभी तक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी तक वॉयेजर 1 तकरीबन 21.7 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट हमसे इतनी दूर होने के बाद भी अभी तक संपर्क में बना हुआ है। इसकी लोकेशन को हम आज भी लगातार ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये कब तक और कितनी दूरी तक हमें दिखाई देगा और हम इसे किस दूरी तक ट्रेस कर पाएंगे? आखिर में वॉयेजर मिशन का अंत कैसे होगा? यदि आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वॉयेजर मिशन से जुड़ी तमाम जानकारी प्रदान करने वाले हैं। वहीं यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 1964 में एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैंड्रो ने नोटिस किया कि सन 1970 के दशक में जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून एक सीधी रेखा में आने वाले हैं। तब उन्होंने ग्रैंड टूर नाम के इस कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक दुनिया के सामने रखा। वे इस प्रोजेक्ट के थ्रू सौरमंडल के सभी आउटर प्लैनेट्स को करीब से देखना चाहते थे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाना था जिससे हम सौरमंडल के सभी आउटर प्लैनेट्स जिसमें प्लूटो भी शामिल था उनको करीब से देख सकें और उनकी तस्वीरें भी ले सकें। इस कॉन्सेप्ट को बाद में एक मिशन में बदल दिया गया जिसे द ग्रैंड टूर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोग्राम कुछ कारणों से सोचे गए तरीके से शुरू नहीं किया जा सका और इस मिशन को बंद कर दिया गया। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर नासा ने सन 1977 में एक दूसरा मिशन शुरू किया जिसे वॉयेजर प्रोग्राम का नाम दिया गया और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया जिसमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 शामिल थे। इसके बाद 20 अगस्त सन 1977 को वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था और इसके ठीक 16 दिनों बाद 5 सितंबर सन 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से हम सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को काफी करीब से देख पाए हैं। लेकिन जैसा शुरुआत में सोचा गया था वैसा कुछ नहीं हुआ और इस प्रोग्राम में प्लूटो छूट गया। वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून को फ्लाईबाय किया लेकिन वॉयेजर 1 केवल जुपिटर और सैटर्न और फिर उसके बाद उसने टाइटन को फ्लाईबाय किया। इसके बाद उसने इतनी वेलोसिटी हासिल कर ली कि वो सौरमंडल के बाहर जा सके और अपनी आगे की दूरी को तय कर सके। वॉयेजर 1 अपने लॉन्च के करीब 3 साल 3 महीने और 9 दिन के प्लेनेटरी मिशन के बाद वो सीधा अपने अनजाने सफर पर चल दिया जहां उसे आगे और क्या मिलने वाला था इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी और ये भी मालूम नहीं था कि ये स्पेसक्राफ्ट अब आगे और कितनी दूरी तक सक्सेसफुली ट्रेवल करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर मिशन के लॉन्च के 41 साल बाद आज भी इनका सफर जारी है। आज यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये स्पेसक्राफ्ट करीब 21.7 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। 25 अगस्त सन 2012 को वॉयेजर ने अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस किया था और इसी के साथ ये पहला मौका था जब मानव द्वारा बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट ने हमारे सौरमंडल के बाहर कदम रखा हो। आज ये हमसे 145 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट हमसे धरती और सूरज के बीच की दूरी का 145 गुना ज्यादा दूरी तय कर चुका है। लेकिन आज भी इतनी दूरी पर जाने के बाद भी वैज्ञानिक इसे ट्रेस कर पा रहे हैं और ये आज भी हमारे संपर्क में बना हुआ है। लेकिन आखिर कब तक वॉयेजर 1 हमारे संपर्क में बना रहेगा ये आज एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर वॉयेजर 1 हमसे संपर्क करता कैसे है या फिर किस तरह से वॉयेजर 1 से हम डेटा रिसीव करते हैं। वॉयेजर 1 से डेटा रिसीव करने के लिए पहले 20 किलोवाट के रेडियो सिग्नल को धरती पर लगे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के जरिए वॉयेजर 1 की तरफ भेजा जाता है और इन सिग्नल्स को वॉयेजर 1 तक पहुंचने में करीब 21.7 अरब किलोमीटर का सफर तय करना होता है। इस सफर को तय करने में रेडियो सिग्नल को लगभग 20 घंटे का समय लगता है जिसके बाद वॉयेजर 1 में लगी सेंसिटिव एंटीनास धरती पर भेजे गए सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं। इसके बाद वॉयेजर 1
20 वाट का एक रेडियो सिग्नल धरती की तरफ भेजता है। हमारी धरती की तरफ आने वाले इन सिग्नल्स को हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है, क्योंकि इतनी दूरी तय करने के दौरान सिग्नल काफी कमजोर हो जाता है। धरती तक आते आते ये सिग्नल इतना कमजोर हो चुका है कि इसे डिटेक्ट कर पाना भी हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस कार्य को DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क सफल बनाता है। ये डीप स्पेस नेटवर्क रेडियो ऑब्जर्वेटरीज का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। धरती पर 3 जगहों स्पेन, USA और ऑस्ट्रेलिया में DSN लगा हुआ है। ये रेडियो ऑब्जर्वेटरी इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि ये खराब से खराब और मध्यम से मध्यम फ्रीक्वेंसी को भी आसानी से कैच कर सकता है। यानी कि वॉयजर 1 से आने वाला सिग्नल कितना भी कमजोर क्यों न हो, ये डीप स्पेस नेटवर्क उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और सिग्नल्स को हम तक आसानी से पहुंचा देता है। इस तरह से हम हर दिन डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू वॉयजर 1 से कॉन्टेक्ट करते रहते हैं। पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो चुकी है। वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी से हम कई प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे रेडियो एंटीनाज काफी कमजोर सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हो चुके हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वॉयजर 1 की लोकेशन को डिटेक्ट करने की हमारी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि वॉयजर 1 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि RTG के माध्यम से चलता है। RTG सेल में एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है जो कि यूरेनियम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, जिससे यूरेनियम की मात्रा कम होती जाती है। इस तरह RTG सेल को पूरी तरह से खत्म होने में कई साल लग जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि ये काफी लंबे समय तक अपनी सर्विसेज देने में सक्षम है। वॉयजर 1 इस समय 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें लगा हुआ RTG सेल अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण इसकी पावर पहले की तुलना में काफी ज्यादा कम हो चुकी है। सन 1990 में वॉयजर 1 में जो कैमराज लगाए गए थे उनको भी अब बंद किया जा चुका है, ताकि एनर्जी को बचाया जा सके और इसे ज्यादा से ज्यादा दूरी तक लेकर जाया जा सके। और अब वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि वॉयजर 1 को साल 2025 तक ही संचालित किया जा सकेगा और 2025 तक ही ये हमारे संपर्क में रह पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 के बाद वॉयजर 1 का RTG इतनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट नहीं कर पाएगा कि इसमें लगे हुए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को सफिशिएंट पावर सप्लाई मिल सके और वो हमसे लगातार संपर्क में बना रहे। इसलिए अब वॉयजर 1 ज्यादा दिनों तक हमारे संपर्क में नहीं रहने वाला और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वॉयजर 1 का अंत 2025 तक होने वाला है। इस समय वॉयजर 1 में कुल 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। वॉयजर 1 में लगे उपकरणों की बात की जाए तो इसमें टेलीविजन कैमराज, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे और चार्ज्ड पार्टिकल सेंसर जैसे कई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं। वहीं इसके अंदर 55 भाषाओं का अनुवाद करने की क्षमता भी मौजूद है। नासा द्वारा सिलेक्टेड रिकॉर्ड की सामग्री में 150 एनालॉग एनकोडेड फोटोज एवं विभिन्न प्रकार के साउंड्स को भी शामिल किया गया है, जिससे कि इसे संचार के माध्यम से कॉन्टेक्ट करने में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। लेकिन आपको बता दें कि इतना समय गुजर जाने के बाद इसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स में से आज सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट्स ही सही तरीके से काम कर रहे हैं। इस तरह जैसे जैसे इसकी दूरी हमसे बढ़ती जाएगी और 2025 तक इसमें लगा हुआ RTG लगातार कमजोर होता जाएगा, उसके बाद इसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स को भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और या फिर वो अपने आप ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। इसके साथ ही इसका कनेक्शन भी धरती से टूट जाएगा और इस तरह से ये वॉयजर 1 अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाएगा, इस अंधेरे काले अंतरिक्ष में। इस मिशन ने अब तक अपने कई उद्देश्यों को सही से पूरा किया है और उसमें काफी सफलता भी मिली है। वॉयजर मिशन ने बृहस्पति ग्रह, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे आउटर प्लैनेट्स के बारे में काफी जानकारियां जुटाई हैं। इस तरह से आज हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन काफी हद तक सफल रहा है और ये मिशन काफी बड़ा भी रहा है, जो कि आज तक भी जारी है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वॉयजर 1 के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।